नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। कोलकाता कांड के विरोध में टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहरलाल सरकार ने इस्तीफा दिया। हरियाणा में सिंगर कन्हैया मित्तल ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। कर्नाटक में कलबुर्गी पुलिस ने सरकारी अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप में 8 लोगों पर दर्ज किया हमला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने जुलाना में शुरू किया चुनावी कैंपेन। वियतनाम की राजधानी हनोई से टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफान यागी। दिल्ली में बकरवाला इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां। यूपी में पीलीभीत में भेड़िए के बाद अब सियार का खौफ, 5 बच्चे समेत कई लोगों पर किया हमला। अगले हफ्ते रूस रवाना होंगे अजीत डोभाल, कजान ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन में लेंगे भाग। आजकल हेल्थ स्कैम की जांच की मांग को लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ईडी को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।